जेसिका एंड मितेश पटेल केस, इंश्योरेंस के 18 करोड़ रुपए के लिए पत्नी की हत्या, मोबाइल ऐप ने खोला राज। दिखावे की जिंदगी हमेशा कईयों की जिंदगी बर्बाद करती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जेसिका एंड मितेश पटेल केस है। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की जेसिका पटेल को मितेश नाम के एक लड़के से प्यार होता है। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं, मगर इसी शादी के बाद जेसिका का सामना एक ऐसे मितेश से होता है जिसकी कल्पना जेसिका ने सपने में भी नहीं की थी। शादी के बाद पहले ही दिन से जेसिका की जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है, और फिर इस जिंदगी का अंत इतने दुखद तरीके से होता है कि सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो आखिर जेसिका के साथ क्या हुआ था और इस पूरे मामले में गुनहगार कौन था? इस केस से 18 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का क्या कनेक्शन था? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, जब आप जेसिका के साथ हुई घटनाओं तथा इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति और इस पूरी घटना के कारणों के बारे में जानेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। इस केस को सॉल्व करने में एक मोबाइल ऐप ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कैसे, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। इस पूरी कहानी में दो सबसे अहम किरदार हैं, जेसिका पटेल और मितेश पटेल। दोनों ही भारतीय मूल के थे और ब्रिटेन में रह रहे थे। ब्रिटेन के ही एक कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई के दौरान ही जेसिका की मुलाकात मितेश पटेल नाम के लड़के से होती है। जेसिका को मितेश में वो सभी खूबियां नजर आती हैं जो वो एक लड़के में चाहती थी। कुल मिलाकर तब मितेश एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था और जेसिका की नजर में एक परफेक्ट फ्यूचर हस्बैंड था। इसलिए कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद जेसिका और मितेश शादी करने का फैसला करते हैं, और दोनों ही इस फैसले के बारे में अपने अपने परिवार वालों को बताते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, और फिर 2009 के जुलाई महीने में बड़ी ही धूमधाम से जेसिका और मितेश की शादी होती है। शादी के कुछ साल बाद जेसिका और मितेश अपना घर छोड़कर लिंथोर्फर में रहने चले जाते हैं। यहीं जेसिका और मितेश मिलकर रोमन रोड पर बड़ी सी फार्मेसी खोलते हैं। इस फार्मेसी से कुछ ही दूरी पर ये दोनों एक बड़ा सा घर भी ले लेते हैं। यहाँ जेसिका और मितेश का नया बिजनेस काफी अच्छा चल निकलता है, और देखते ही देखते इन दोनों की काफी कमाई भी होने लगती है। अब इन लोगों के पास अपना एक बड़ा सा बिजनेस था, काफी पैसा था, मगर अब भी इनकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, और वो ये थी कि शादी के कई साल बीत गए थे मगर जेसिका अब तक मां नहीं बन पाई थी। कई साल तक जब जेसिका मां नहीं बन पाती हैं तो वो मितेश के कहने पर IVF तकनीक के सहारे मां बनने की कोशिश करने लगती हैं। IVF के पहले 3 अटेम्प्ट भी फेल हो जाते हैं, मगर IVF की चौथी कोशिश में कुछ चमत्कार सा होता है, और 9 मई 2018 को जेसिका के डॉक्टर बताते हैं कि इस बार की कोशिश कामयाब रही है, और अगले महीने फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोज को जेसिका के गर्भाशय में इम्प्लांट किया जा सकता है ताकि वो मां बन सके। ये खबर सुनकर जेसिका काफी खुश होती है। अभी IVF सक्सेस वाली खुशखबरी मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक इस परिवार में कुछ ऐसा होता है कि खुशी मातम में बदल जाती है। तारीख थी 14 मई 2018। रात के 8:20 पर जेसिका का पति मितेश पटेल ब्रिटेन की नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस 999 पर फोन करता है और बेहद ही घबराई हुई आवाज में कहता है कि ऐसा लग रहा है मेरे घर में चोरी हुई है और लुटेरों ने मेरी पत्नी पर भी हमला किया है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके पूरे शरीर पर डक्ट टेप चिपकाया हुआ है। मितेश पटेल की इन बातों को सुनकर दूसरी तरफ मौजूद हेल्पलाइन का ऑपरेटर तुरंत मितेश से उसका एड्रेस पूछता है, और अगले ही मिनट उस एड्रेस पर डॉक्टर और एम्बुलेंस को भेज देता है। साथ ही पुलिस को भी खबर कर दी जाती है। पुलिस और एम्बुलेंस काफी तेजी से बताई गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मितेश अब भी उस इमरजेंसी हेल्पलाइन पर ऑनलाइन ही था, और इमरजेंसी हेल्पलाइन का ऑपरेटर लगातार मितेश को समझा रहा था, साथ ही उसे इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था कि आगे क्या करना है। ऑपरेटर कहता है कि जितनी जल्दी हो तुम जेसिका के चेहरे पर लगाए गए टेप को हटाओ। मितेश ऐसा ही करता है। फिर ऑपरेटर पूछता है कि क्या उसके चेहरे या गले पर कोई निशान है, क्या वो कोई हरकत कर रही है। इस पर मितेश जवाब देता है कि नहीं, कोई हरकत नहीं दिख रही है। इसी बीच मितेश जोर से चिल्लाता है, नो जेस, कम ऑन बेबी, वेक अप। मितेश की इन बातों को सुनकर ऑपरेटर को अंदाजा हो जाता है
कि मामला बेहद गंभीर है और वो मितेश को दिलासा देना शुरू कर देता है। अभी मितेश ने इमरजेंसी हेल्पलाइन का फोन काटा भी नहीं था कि दरवाजे पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम भी पहुंच जाती है, साथ ही पुलिस भी आ जाती है। तुरंत डॉक्टर मोर्चा संभाल लेते हैं और वो जेसिका की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच के बाद ही डॉक्टर बता देते हैं कि जेसिका की तो मौत हो चुकी है। इस समय जेसिका की उम्र सिर्फ 34 साल थी। जेसिका के माता पिता और परिवार वालों को भी जेसिका की मौत के बारे में जानकारी दी जाती है। जेसिका के माता पिता और बहनों को देखकर मितेश और भी ज्यादा रोने लगता है। जब जेसिका की बहन मानिया पटेल मितेश को दिलासा दिलाने की कोशिश करती है तो मितेश और भी ज्यादा भावुक हो जाता है और वो उसी के कंधे पर सर रखते हुए बेतहाशा रोने लगता है और रोते हुए कहता है, वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया। इन सब के बीच पुलिस जेसिका की लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही पुलिस जेसिका के कातिल और घर में लूटपाट करने वाले अपराधी की तलाश में भी लग जाती है। पुलिस जांच पड़ताल की शुरुआत क्राइम सीन से ही करती है। पहले ही नजर में दिख रहा था कि घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है, कीमती चीजें टूटी पड़ी हैं, साथ ही जितने भी अलमारी और दराज थे लगभग सभी खुले हुए हैं और सभी का सामान बिखरा हुआ है। शुरुआती जांच में यह भी पता चलता है कि जेसिका पटेल का आईफोन गायब हो चुका है। ये सब देखकर साफ लग रहा था कि मामला लूट का है, मगर कुछ ही मिनट की जांच के बाद पुलिस वालों को एक बात खटकने लगती है कि घर में लूट की घटना जरूर हुई है, मगर घर में फोर्स एंट्री यानी जबरदस्ती किसी के घुसने के संकेत कहीं से नहीं मिल रहे हैं। इससे पुलिस अनुमान लगाती है कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसे जेसिका जरूर जानती रही होगी, तभी वो आसानी से अंदर आया और गायब हो गया। पुलिस जब मितेश से इस बारे में बात करती है तो मितेश बताता है कि जब मैं घर पर था तभी 7 बजे के आसपास जेसिका ड्यूटी से वापस आई थी। जेसिका के आने के बाद मैं बाहर पिज्जा लेने चला गया। लगभग आधे घंटे बाद जब मैं पिज्जा लेकर आया तो देखा कि जेसिका यहां पड़ी हुई है। इस बयान के बाद पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू करती है। जब पुलिस घर से गायब सामान की लिस्ट बनाती है तो पता चलता है कि जेसिका का आईफोन गायब है तथा घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसका हार्ड डिस्क भी गायब है। इसके अलावा मितेश बताता है कि ड्रॉर्स में काफी गहने थे, वो भी गायब हैं। घर में जांच के दौरान ही वो गायब आईफोन भी बस कुछ ही मिनट बाद दरवाजे के बाहर पड़े डस्टबिन से मिल जाता है। पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए सबसे पहले जेसिका के मोबाइल का डेटा एनालिसिस शुरू करती है, साथ ही मितेश के मोबाइल की भी जांच पड़ताल शुरू होती है। जेसिका और मितेश दोनों ही आईफोन यूज किया करते थे और दोनों ही के मोबाइल में आईफोन हेल्थ ऐप एक्टिवेट था। जब पुलिस जेसिका के मोबाइल से मौजूद हेल्थ ऐप के डेटा की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 7:10 पर जेसिका घर में दाखिल हुई थी। उसके बाद से उसके मोबाइल में कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड ही नहीं की गई थी, हालांकि कुछ मिनट बाद उसके मोबाइल में 14 स्टेप रिकॉर्ड होते हैं। इसके बाद मोबाइल में अगली एक्टिविटी रात के 8:40 पर तब रिकॉर्ड की गई थी जब एक पुलिस वाले ने इस मोबाइल को बाहर पड़े डस्टबिन से उठाया था। दूसरी तरफ पुलिस मितेश के मोबाइल में मौजूद हेल्थ ऐप के डेटा की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ठीक उसी समय जब जेसिका के मोबाइल में एक्टिविटी बंद हुई थी मितेश के मोबाइल में एक्टिविटी एकदम से बढ़ गई थी। डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि मितेश 7:30 के बाद अगले 10 मिनट तक घर में लगातार इधर उधर भाग रहा था। इस दौरान उसने कई बार सीढ़ी भी चढ़ी थी। उसने जिस समय इमरजेंसी हेल्पलाइन में मदद के लिए फोन किया था उससे ठीक पहले वो अपने घर के ऊपरी फ्लोर पर भी गया था। पुलिस को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि इमरजेंसी कॉल करने से पहले वो ऊपर क्यों गया था। इसके अलावा भी पुलिस के मन में कई सारे सवाल थे। बस उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जेसिका की मौत के 3 दिन बाद पुलिस मितेश से पूछताछ करती है। इसके अलावा घर की तलाशी भी ली जाती है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस वालों को एक कपड़े से भरे बड़े से सूटकेस के अंदर गायब हुआ सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी मिल जाता है। इसके अलावा मितेश जिन गहनों के चोरी होने का दावा कर रहा था वो भी तलाशी के दौरान एक सूटकेस में मिल जाते हैं। जब उस हार्ड डिस्क की जांच की जाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन यानी 14 मई 2018 को शाम के 7:10 के आसपास जेसिका काम से वापस आई थी। उससे पहले घर में मितेश मौजूद था।
सीसीटीवी के मुताबिक शाम 7:40 के आसपास मितेश घर के बाहर जाता है और पास के ही एक पिज्जा स्टोर पर पहुंचता है। पिज्जा स्टोर के सीसीटीवी फुटेज से भी पता चलता है कि 8 के आसपास मितेश पिज्जा स्टोर पर पिज्जा खरीद रहा था। सीसीटीवी के मुताबिक रात के 8:20 के आसपास मितेश वापस घर के अंदर जाता है और फिर 8:22 पर वो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 999 पर फोन करता है। मितेश का कहना था कि किसी ने घर में घुसकर लूटपाट की है और जेसिका की हत्या कर दी है, लेकिन अब सीसीटीवी की हार्ड डिस्क मिलने से साफ हो गया था कि वो मितेश ही आखिरी आदमी था जो इस घर में आया था। इसके अलावा मोबाइल की डेटा एनालिसिस से भी खुलासा होता है कि जिस समय जेसिका की मौत हुई थी उसी समय मितेश पूरे घर में भागदौड़ कर रहा था। ये सभी संकेत चीख चीख कर इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं घर के अंदर मौजूद शख्स ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस सख्ती से मितेश पटेल से पूछताछ शुरू करती है। इस पूछताछ के बाद जो खुलासा होता है वो रोंगटे खड़े करने वाला होता है। मितेश के बयान के मुताबिक 7:10 पर जैसे ही जेसिका काम से वापस लौटकर घर के अंदर दाखिल हुई, तभी पहले से तैयार मितेश ने पहले उसके गर्दन पर काफी अधिक मात्रा में इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद मितेश ने जेसिका के मुंह पर बड़ा सा पॉलिथिन बैग डाल दिया। अचानक हुए हमले की वजह से जेसिका जमीन पर गिर गई। इंसुलिन के ओवरडोज ने भी काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जेसिका बेहोशी की हालत में चली गई। इधर मितेश ने प्लास्टिक बैग को जेसिका के मुंह पर इस तरह लपेट दिया कि प्लास्टिक बैग के अंदर जरा सी भी हवा ना जाए। इस तरह जेसिका ऑक्सीजन के बिना छटपटाने लगी और धीरे धीरे वो बेहोश हो गई और लगभग 20 बाद उसकी सांसें थम गईं। जब मितेश को यकीन हो गया कि जेसिका मर गई है, तब सबसे पहले उसने जेसिका के हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया और फिर जेसिका के पूरे शरीर पर डक्ट टेप चिपका दिया। इसके बाद वो घर के सामान बिखेरने में लग गया ताकि घर में लूट का सीन बनाया जा सके। ये सब कुछ करने के बाद उसने जेसिका के पास मौजूद उसका मोबाइल फोन निकालकर बाहर पड़े डस्टबिन में डाल दिया। फिर बड़े आराम से वो बाहर गया जहां से पिज्जा खरीद कर लाया और फिर 8:20 के आसपास अंदर आते ही वो सीधा ऊपरी फ्लोर पर चला गया, क्योंकि उसे याद आया कि उसने सीसीटीवी का हार्ड डिस्क तो छिपाया ही नहीं है। हार्ड डिस्क को कपड़े से भरे सूटकेस में छुपाने के बाद फाइनली मितेश इमरजेंसी हेल्पलाइन पर फोन करता है। इस खुलासे के बाद पुलिस हत्या की वजह जानने की कोशिश करती है। फिर जो खुलासा होता है वो और भी हिला देने वाला था। मितेश के बयान के मुताबिक 2008-09 में उसने जेसिका के साथ जो प्यार और फिर शादी की थी, बस वो उसकी एक बड़ी प्लानिंग का छोटा सा हिस्सा था। दरअसल मितेश एक गे था जिसे महिलाओं में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। चूंकि मितेश का परिवार बेहद ही धार्मिक था, इसलिए मितेश अच्छे से समझता था कि उसका परिवार इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने जेसिका की मासूमियत और भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ पहले प्यार और फिर शादी का नाटक किया। उसने जेसिका के साथ शादी जरूर की थी, मगर शादी के बाद उसने एक बार भी जेसिका के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। शादी के 10 बाद जेसिका ने इस बात का जिक्र अपनी बहन से भी किया था। यहां तक कि शादी के 6 बीत जाते हैं और इन दोनों के बीच एक बार भी शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं। इसके बावजूद जेसिका पूरी ईमानदारी से रिश्ते को निभाती रहती है, बस इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मितेश एक तरफ जेसिका से दूर भागता था तो दूसरी तरफ वो हमेशा गे पार्टनर की तलाश में लगा रहता था। इसके लिए उसने गे डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल भी बना ली थी। इस डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात ब्रिटेन में ही रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर अमित पटेल से होती है। डॉक्टर अमित पटेल भी गे ही थे। यहीं अमित और मितेश की दोस्ती होती है और फिर इन दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये दोनों कई बार शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। मितेश अमित को लेकर इतना पागल हो जाता है कि उसी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगता है। हालांकि 2016 में अमित ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। इसके बावजूद मितेश की दीवानगी कम नहीं होती है और अब वो घंटों अमित से फोन पर बातें करने लगता है। यहां तक कि उसने घर का ऊपरी कमरा अपने लिए रिजर्व कर रखा था, जहां वो सुबह के 4 तक अमित से ही फोन पर लगा रहता था। अमित के साथ मितेश की दिल लगी चल ही रही थी कि जेसिका को कहीं से भनक लग जाती है कि मितेश एक गे है और वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है।
जब जेसिका इस बारे में मितेश से बात करती है तो वो इस बात को सिरे से नकार देता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि बाद में वो सच को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसकी तस्वीर अपने ही फार्मेसी के पास एक लड़के को किस करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई थी। यहां मितेश वादा करता है कि मैं कभी भी अमित से नहीं मिलूंगा, बस तुम किसी से कुछ भी मत कहना। जेसिका मितेश की ये बातें मान लेती है। इसी के कुछ समय बाद मितेश जेसिका को आईवीएफ के जरिए बच्चे जन्म देने का प्लान समझाता है। जेसिका इस पर भी मान जाती है। आईवीएफ के पहले 3 अटेम्प्ट तो नाकाम हो जाते हैं मगर चौथे अटेम्प्ट में कामयाबी मिलती है। सभी काफी खुश होते हैं मगर ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती है क्योंकि इस खबर के मिलने के अगले ही दिन मितेश जेसिका की हत्या कर देता है। दरअसल मितेश आईबीएफ के लिए एक साजिश के तहत तैयार हुआ था। कथित तौर पर उसने अपने गे पार्टनर डॉक्टर अमित पटेल के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था कि जैसे ही आईवीएफ सक्सेस होगा वो जेसिका की हत्या कर देगा। उसके बाद उस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोस को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे डॉक्टर अमित के पास चला जाएगा, वहां सैरोगेसी के जरिए बच्चे भी हासिल कर लेगा, साथ ही वो अमित से वहीं पर शादी भी कर लेगा। प्लान के मुताबिक मितेश ने ऐसा ही किया। मितेश को मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत होगी, इसलिए उसने पैसे का भी प्रबंध कर लिया था। एक्चुअली प्लान के मुताबिक मितेश ने जेसिका की हत्या करने से कुछ महीने पहले जेसिका का लगभग 18 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस भी करवा दिया था। मितेश का प्लान था कि जेसिका की हत्या को पहले मर्डर का रूप दिया जाए और फिर इंश्योरेंस की रकम तथा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोज लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने पार्टनर अमित के पास भाग जाया जाए। मगर पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया और ये सभी राज खुलने के बाद जेसिका की हत्या के तीसरे दिन ही पुलिस ने मितेश को जेसिका की हत्या तथा सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मितेश की सच्चाई जानकर तो एक पल के लिए जेसिका के परिवार वालों को भी पुलिस द्वारा बताई गई सच्चाई पर यकीन नहीं होता है। पुलिस जेसिका और मितेश के आईफोन हेल्थ ऐप के डेटा को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करती है, जहां जेसिका की मौत के समय मितेश के घर के अंदर भागने दौड़ने के रिकॉर्ड मौजूद थे। इसके अलावा जांच पड़ताल में मितेश के फार्मेसी से वही डक्ट टेप बरामद हुआ जो टेप जेसिका के शरीर पर लपेटा गया था। पुलिस ने कोर्ट में मितेश की गूगल सर्च हिस्ट्री को भी सबूत के तौर पर पेश किया था। मितेश ने गूगल पर हत्या करने के तरीकों, हत्या करने के बाद इंश्योरेंस की रकम पाने के तरीकों तथा हत्या से जुड़ी काफी कीवर्ड सर्च किए थे। जेसिका पटेल की हत्या के 7 महीने बाद यानी दिसंबर 2018 में इस केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई और सिर्फ 2 घंटे 50 मिनट की सुनवाई में मितेश पटेल का गुनाह साबित हो गया और उसे जेसिका पटेल की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि कम से कम 30 साल तो लगातार मितेश पटेल को जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग माना था। फिलहाल मितेश जेल में है जबकि मितेश के गे पार्टनर डॉक्टर अमित पटेल आजाद हैं। वैसे जेसिका की हत्या से 10 दिन पहले यानी 4 मई 2018 को मितेश अमित को टेक्स्ट मैसेज करते हुए पूछता है, यू नो दिस प्लान, डू यू थिंक वी विल सक्सीड? जवाब में अमित कहता है, ओनली यू नो द आंसर। इतना ही नहीं, जेसिका की हत्या वाली रात से ठीक एक रात पहले अमित और मितेश ने 39 मिनट तक लगातार वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। ये लगातार टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी बात कर रहे थे। पुलिस ने 50 पन्नों में टेक्स्ट मैसेज को भी दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश किया था मगर कोर्ट में डॉक्टर अमित पटेल का गुनाह साबित नहीं हुआ और वो आज आजाद हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।